जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सावर शुक्ला। आज श्री गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, जन्म प्रकाश उत्सव है और हम बिल्कुल श्री हरमंदिर साहब के गलियारे में पहुंचे हैं। और आज एक बड़ा फैसला आया है केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। तो सबसे बड़ी बात, 11 महीने के बाद 700 मौतों के बाद आखिर कानून वापस लिया गया, तो कहीं ना कहीं 5 राज्यों में चुनाव की दस्तक है और इन दस्तक की वजह से ही कृषि कानून वापस लिया गया। तो हम यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं से पूछेंगे कि मोदी सरकार का फैसला कैसा है। सर, 3 कानून वापस ले मोदी सरकार ने आज ऐलान किया, की कहना चाहोगे? बस बहुत वधिया है जी। जे अगर वापस ले रहे तो इस टाइम के उत्ते गुरु नानक देव जी गुरपुरब के उत्ते, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी मोदी ने बहुत वधिया किया। अगर जे वापस हो पहला लै लेने चाहिए, हले तू पहले 11 महीने 700 मौत उस तो बाद वापस लिता है, तो कहता मतलब है तो नहीं कि इलेक्शन का चक्कर लगता यही रहा। पर बस सरकार नू पहला लै लेनी चाहिए, हाँ सरकार नू इन्ना टाइम बढ़ाने तो पहले ही, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है, 11 महीने और 700 मौतों के बाद आखिर ये फैसला आया है, तो ये फैसला पहले ले लेना चाहिए। और पंजाब ने बहुत ही ज़्यादा कोरोना के संकट काल के बाद, अगर हम यूँ कहें, किसान आंदोलन ने पंजाब की कमर तोड़ दी। सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब को हुआ और पंजाब के किसान ही कृषि विरोधी कानून को लेकर सबसे पहले जत्थे से जत्था लेकर पहुँचे वहाँ सरहद पर। और आप देख सकते हैं हम इस समय श्री हरमंदिर साहब के गलियारों पे हैं और आज है प्रकाश पर्व बाबा नानक जी का, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हम लोगों से बात करेंगे, कृषि कानून जान कृषि कानून पता, खेती कानून जिला बाप की हुंदा क्या जिला लगा ही थे पता नहीं सर, जिला किसान आंदोलन कर रहे पता। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि किसान आंदोलन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो हम तस्वीरें हैं सर, किसान आंदोलन का पता तुम नो सर है? जिले किसान बॉर्डर पे बैठे नहीं पता? ओ महाराज कैमरा मार रहे थे। चलिए तो आगे चलते हैं, हम तस्वीर दिखाते हैं, अपना अपना वक्तव्य है, कोई जानता कोई नहीं जानता, लेकिन पूरा देश पूरी दुनिया जानता है कि 3 कानून को लेकर पंजाब के किसानों ने दिया था धरना। और धरना 11 महीने से है और अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत का ट्वीट आया है कि ये धरना तब समाप्त होगा जब इसको रद्द किया जाएगा संसद में, जहां से पास हुआ वहां रद्द होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या 370 भी हटेगी? 370 भी हटेगी, बड़ा सवाल। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं और यहां पर देश दुनिया से आज श्रद्धालु आए हैं क्योंकि आज है प्रकाश पर्व। तो हम प्रकाश पर्व की आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम अभी कृषि कानून के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा खुशी जो आज है किसानों और पूरे देश भर में, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 11 महीने बाद जो फैसला किया है, 700 मौतों के बाद ये फैसला आया है, तो आखिर ये कानून रद्द ही करना था तो लागू क्यों किया गया? तो अरे भाई, आप कश्मीर से हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, कश्मीर से है। जैसा यहाँ पे कृषि कानून किसानों को लेकर यहाँ पे कानून बना था, धरना प्रदर्शन हुआ था, उस बारे में मालूम है आपको? नहीं नहीं सर, इसमें मुझे कोई नहीं। अच्छा, 370 जो आपके वहाँ लगी है वो हटनी चाहिए? नहीं, वो तो नहीं हटना चाहिए है? नहीं हटना चाहिए, नहीं हटनी चाहिए नहीं। चलो बहुत बड़ी बात है, नहीं हटनी चाहिए 370। तो कृषि कानून वापस ले लिया गया है और आप देख सकते हैं किसानों ने जो कर रहे थे ये कृषि कानून जी वापस ले लिया है मोदी सरकार ने 11 महीने 700 मौतों के बाद। आपका नाम क्या है? अंकुश अरोरा। अंकुश जी कहाँ के रहने वाले हैं? MP खंडवा। अच्छा, ये बताइए जो ये कानून वापस लिया 11 महीने के बाद और 700 मौतें हो गई हैं, तो आज प्रकाश पर्व बाबा नानक का बड़ा अच्छा फैसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये नानक जी ने सद्बुद्धि दी है मोदी जी को, तो इनने कृषि कानून बिल वापस लिया गया है। ये सद्बुद्धि दी? हाँ। इलेक्शन स्टंट तो नहीं है? इलेक्शन स्टंट भी हो सकते हैं क्योंकि चुनाव है अभी। चुनाव जी यूपी और पंजाब में? हाँ, यूपी और पंजाब में 5 राज्यों में चुनाव के दस्तक के बाद अब मोदी सरकार ने ले लिया है कानून वापस। और 3 कानून, 700 मौतें 11 महीने के बाद, सबसे ज़्यादा अगर हम कहें 3 कृषि कानूनों ने पंजाब की कमर तोड़ दी है आर्थिक व्यवस्था को देखें, तो कुल मिला के ये कानून वापस लिया जाना अच्छा कदम है। और यहाँ सभी मानते हैं, कुछ लोग तो नहीं जानते कि कृषि कानून है क्या, तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं लोगों से। जनाब की नाम थोड़ा? जय सिंह इंस्पेक्टर सर। क्या बात है, जय सिंह, जय हो थोड़ी। ए दसो, जिहड़ा मोदी सरकार ने 3 कानून वापस लिता 11 महीने 700 मौतों के बाद, हाँ जी हाँ जी, देर आए दुरुस्त आए? ये दुरुस्त नहीं है, वैसे पहला लेना चाहिए सी कानून वापस, पहला इन्हें बहुत देर ना लाया, बहुत
क्यों बंदे मरा थे, बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत नुकसान हो गया, खास करके पंजाब का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इलेक्शन स्टंट वोटां दा चक्कर, वोटां दे चक्कर दे करके ने कीता है काम, करना पिया है इनू, तो वोटों का चक्कर है जैसा कि बता रहे हैं। और श्रद्धालु हैं और जय सिंह हैं, पूर्व इंस्पेक्टर हैं, कुल मिला के कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति है। और नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सर, मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं आज प्रकाश पर्व पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा खबर नहीं पता है सब चीज़ बारे में, चलिए इनको नहीं मालूम। तो कुल मिला के अभी भी देश के 130 आबादी, 133 करोड़ आबादी के बीच में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम कि कृषि कानून क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें है, और हम इस समय पहुंचे हैं जलियांवाला बाग बिल्कुल सामने है, और ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर कहीं कहाँ से युवा आए हैं, हम युवाओं से पूछेंगे क्या वो कृषि कानून के बारे में जानती हैं। बेटियाँ, देश की बेटियाँ कृषि कानून के बारे में जानती हैं बेटा, जो नरेंद्र मोदी ने किया था? नहीं। चलिए कैमरे से छुपकर, और कुल मिला के कहीं ना कहीं हम आपको बताएं, हम श्री हरमंदिर साहब के बिल्कुल करीब हैं, दहलीज पे हैं, तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। और कृषि कानून को लेकर लोग कितना जागरूक हैं ये बारे में हम जानेंगे। सर मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं बाहर से हूँ। अरे देश में नहीं रहते आप, इसी देश का हैं। कानून मालूम है कृषि कानून? हाँ बराबर है सर, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं कृषि कानून, इतना नॉलेज नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कृषि कानून, सर मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया आज प्रकाश पर्व के दिन, अभी ऐलान किया, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा कमर आर्थिक तौर पर पंजाब की टूटी है। जो भी किया सरकार ने सोच समझ कर ही किया होगा, सबके भले में भला है। पहले भी तो सोच समझ के ही किया था, तब भला नहीं था? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का वक्त के हिसाब से हर चीज़ सोची जाती है। घर में बच्चे को भी डांट पड़ती है, बाद में पता चलता कि नहीं इसकी गलती नहीं थी, तो उसका भी सुधार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कश्मीर में 370 हटाने की बात आ जाए, क्योंकि यह रद्द हो गया है, तो वो कानून रद्द होने की बात उछल है, तो क्या कहे? नहीं 370 वाला मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम श्री हरमंदिर साहब के बिल्कुल बाहर पहुँच चुके हैं, और हम बात कर रहे हैं कृषि कानून, और 3 कृषि कानून को आज रद्द कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि कृषि कानून रद्द हो गए, उन्होंने क्षमा भी मांगी है। चलिए यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, नारी शक्ति हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कृषि कानून के बारे में। बहन जी मालूम है आपको कुछ, जो कृषि कानून है लागू हुआ है, मालूम है कुछ? नहीं मालूम। चलिए अभी इनको कृषि कानून के बारे में नहीं मालूम है, तो देख सकते हैं ये आस्था का समुंदर है, और देश दुनिया से यहाँ पर आज श्रद्धालु आए हैं, क्योंकि आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। श्री गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है। वैसे तो करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है, इमरान खान ने ट्वीट करके कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर, उनकी प्रयास से खोला गया है। फिलहाल हम बात करें आज की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेकर जनता को सौगात दिया है, माफ़ी भी मांगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 11 महीने 700 मौतों के बाद कानून वापस, 11 महीने 700 मौतों के बाद कानून वापस। आप अमृतसर के हैं सर? एमपी। सर मोदी सरकार ने जो कृषि कानून वापस ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा करा उसके लिए, मतलब सिख लोग परेशान हो रहे थे हर जगह, जगह जगह डेरे लेके बैठे हुए, बहुत टाइम से परेशान होते, बहुत अच्छा हुआ। गुरु पर्व पे बहुत खुशखबरी की चीज़ है। इलेक्शन स्टंट जी, चलिए इलेक्शन स्टंट मानता है आप देश का युवा, और देश का युवा ऐसा भी युवा है कि नहीं जानता कृषि कानून के बारे में, लेकिन हम तो बात करेंगे, हम बात करेंगे एक कि आखिर देर आए दुरुस्त आए। 11 महीने के बाद कृषि कानून वापस होता है, 11 महीने के बाद कृषि कानून वापस होता है, और 700 के करीब मौतें। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे सिख युवा हैं, प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस ले लिया, की कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया कीता जी, वापस ले लिया, असं बहुत खुश हाँ। पंजाब में सब तो ज़्यादा नुकसान होया, पर 11 महीने 700 मौतों के बाद कानून वापस लिता गया, देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी चलो, मौत तो हो गई हुई हैं, चलो मिल गया, फायदा भी होया। कितों रहने वाले तुसी? हाँ जी कितों रहने वाले? भाई दिल्ली दे भाई, गुरदासपुर दे। गुरदासपुर के हैं, वैसे दिल्ली के रहने वाले हैं। फिलहाल मोदी के फैसले को सही मानते हैं, और हम आपको बताएं कि हम श्री हरमंदिर साहब के बिल्कुल सामने आ गए हैं, और आज यहाँ पर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, देश दुनिया से यहाँ पर आज श्रद्धालु आते हैं। वैसे
बाबा नानक जी का, यानी कि हम आपको बताएं गुरु नानक देव जी के 552 प्रकाश है, 552 प्रकाश गुरुपूर्व है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 19 नवंबर 2003 दिन शुक्रवार को, और यहाँ पर देश दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। फिलहाल कृषि कानून के बारे में बात करें तो नरेंद्र मोदी के फैसले को सही बता रहे हैं अधिकांश लोग। कुछ लोग कृषि कानून ही नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पंजाब की आर्थिक दशा को सबसे ज़्यादा कृषि कानून ने धक्का दिया है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान कृषि कानून यानी किसानों ने वहाँ पर जिस तरह धरना प्रदर्शन किया और ट्रेनें रोक दी और 11 महीने तक पूरा ऐसा लगा जैसे आपातकाल चल रहा हो पंजाब में, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने ले लिया है कानून वापस। आज राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, माफ़ी भी मांगी है, लेकिन ये भी कहा कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया, ये भी कहा है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें श्री हरिमंदर साहब के, हम बिल्कुल बाहर पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पर प्रकाश पर्व बाबा नानक जी का मनाया जा रहा है। जिस तरह से देश दुनिया के यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और देख सकते हैं ये है श्री हरिमंदर साहब के बाहर, हम बिल्कुल पहुँच गए हैं। और हम बात कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर, तो 3 कृषि कानून को लेकर हम बात करेंगे। सर, 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के संबोधन में प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए बाबा नानक जी की कहा है कि 13-13 के सिद्धांत पर चलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हमसे गलती हुई, माफ़ी मांगी, और ये भी कहा हम किसानों को समझा नहीं पाए, दे रहे दुरुस्त आए, 11 महीने 700 होते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है ये तो, कि अभी वापस लेने जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। पंजाब ने सबसे ज़्यादा नुकसान झेला, तो ऐसे कानून बनाने से पहले जैसे वापस लिया गया, कहीं ना कहीं सोच समझ लेना चाहिए, पूरी तरह ठोक बजा के काम करना चाहिए। सर एक्चुअली पूरा साल 1.5 साल जो हो गया है ये कानून लागू किए हुए को, तो सभी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा है इसका, जैसे बिजनेस पे पड़ा है, कृषि पे पड़ा है, और हर सेक्टर में मतलब इसका जो है इम्पैक्ट पड़ा है, सब लोग नुकसान में जा रहे हैं, हर तरफ ऐसे ही चल रहा है। तो दे रहा है दुरुस्त है, या बीजेपी नुकसान में जा रही थी इसलिए उन्होंने कह दिया कानून वापस? नहीं, ये तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, अभी इलेक्शन स्टंट नहीं है, चलिए इलेक्शन स्टंट नहीं मानते हम, आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देख सकते हैं ये श्रद्धालु आए हैं देश दुनिया से। और आज प्रकाश पर्व है बाबा नानक जी का, आज प्रकाश पर्व मनाने के लिए देश दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। मोदी सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए जी, की कहना चाहोगे? नहीं, मोदी सरकार ने 3 कानून वापस ले, कृषि कानून वापस ले लिया, अज की कहना चाहोगे? कड़े जी, कृषि कानून तीनों ले रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया गल होगी जी। 11 महीने बाद 700 मौतों के बाद यह डिसीजन लिता है, देर है दुरुस्त है, या बाबा नानक ने उन्होंने सदबुद्धि देती? हाँ जी देती, बाबा नानक नहीं देती। तो हर लोग यहाँ पर श्रद्धालु मानते हैं बाबा नानक ने दे दिया है सदबुद्धि, और नरेंद्र मोदी ने कर दिया है 3 कृषि कानून वापस ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है हम श्री हरिमंदर साहब के आपको दर्शन करवाते हैं, और आज है प्रकाश पर्व, और आप देख सकते हैं। सर कहाँ से आए आप? मुंबई से, मुंबई माया नगरी। तो ये बताइएगा अमृतसर में आज आप यहाँ आए हैं प्रकाश पर्व पर, और उधर नरेंद्र मोदी ने आज बाबा नानक के प्रकाश पर्व पर 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी चीज़ है, आज सुबह ही न्यूज़ मिली है, और बहुत खुशी हुई जान के कि देर आए दुरुस्त है। इलेक्शन स्टंट हो सकता है? पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ भी हो सकता है जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? आप देख सकते हैं ये सामने तस्वीरें हैं, हम श्री हरिमंदर साहब के बाहर पहुंच चुके हैं, और आप तस्वीरें देख रहे हैं हरिमंदर हमारे साथ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मेहरबान। मेहरबान सिंह, आज नरेंद्र मोदी देश पर मेहरबान हो गए और उन्होंने 3 कृषि कानून ले लिया है वापस, तो मेहरबान मोदी की मेहरबानी पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मोदी की मेहरबानी नहीं है, हमारे नानक की मेहरबानी है, हमारे गुरुजी की मेहरबानी है, उसने तो मतलब हमारे देश का मतलब अच्छा नहीं करा कुछ भी, सारा कुछ बेचने को है, मतलब उसने सारा कुछ गलत किया, ये तो हमारे किसानों ने हमारे देशवासियों ने पूरा जोर लगाया, तो उसको वापस लेने पड़े, वो कौन होता है वापस लेने वाला, वो तो एक चौकीदार रखा है हमने, ठीक है ना, वो कौन होता है वापस लेने वाला, उसको तो वापस लेने ही पड़ने थे ना, उसको तो वापस लेने ही थे, यही कहना चाहूँगा मैं। 11 महीने 700 मौतें, सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का, और पंजाब का इतना नुकसान कि कोरोना के संकट काल के बाद पंजाब की रीढ़ की हड्डी आर्थिक तौर पर टूट गई। पंजाब का कोई नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान हुआ, वो लोगों ने शहादतें दी, तो बहुत मतलब दुख हुआ भी, उसने उसकी वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से देश को नुकसान हुआ, इतनी मौतें हुई, इतना संघर्ष करना पड़ा लोगों को, गर्मी सर्दी में बैठकर
इतना पूरा झेलना पड़ा उनको ना, तो वापस तो लेने ही पड़े थे। उसकी वजह से इतना दुख सभी को हुआ, पूरे देश को दुख हुआ। आपका नाम क्या, कहाँ से? मेरा नाम मेहरवान। कहाँ से? पंजाब से। अमृतसर? हाँ जी, हाँ जी। गुरुनगरी के हैं और गुरुनगरी मेहरबान है। उन्होंने कहा कि मोदी ने मेहरबानी नहीं की है। मेहरबान सिंह कहते हैं मोदी ने मेहरबानी नहीं की है, किसानों के चलते, किसानों के संघर्ष के चलते अब बाबा नानक जी ने दी है नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि और कानून लिए हैं वापस। हम आपको दर्शन करवाते हैं और मैं अपने कैमरामैन गुरमीत सिंह राजा जी से कहूँगा कि वो जहाँ तक अंदर देख पाए और वहाँ तक अपने कैमरे से दिखाएँ। फिलहाल SGPC अंदर कवरेज नहीं करने देती, SGPC धार्मिक स्थल के अंदर मीडिया को कवरेज नहीं करने देती। वजह मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत बड़ी वजह है। वजह यही है कि आखिर कवरेज क्यों नहीं करने दी जाती, क्योंकि आज प्रकाश पर्व है देश दुनिया में और सिख प्रचार के लिए लाखों करोड़ों खर्चने वाली SGPC आखिर मीडिया को क्यों रोकती है? सबसे बड़ा सवाल, सिख धर्म के लाखों करोड़ों का प्रचार करने वाली SGPC मीडिया को अंदर श्री हरिमंदर साहब के अंदर परमिशन क्यों नहीं देती है? बड़ा सवाल। चलिए हम आगे चलते हैं, कृषि कानून को लेकर बात करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिख श्रद्धालु यहाँ पर अलग अलग देश दुनिया से आए हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और बात करेंगे। आप देख सकते हैं, तो ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें लाइव भारत पर। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं, और श्री हरिमंदर साहिब क्या आपने दर्शन कर लिए? कुल मिला के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कृषि कानून का वापस लिया जाना ये नरेंद्र मोदी के वही है, सांप के मुंह में छिपकली, सांप के मुंह में छिपकली, वही हालत हो गई BJP की। BJP ने कृषि कानून के बाद पंजाब में BJP का जो ग्राफ है एकदम नीचे गिर गया। BJP नेताओं के घरों के बाहर रोज प्रदर्शन होने लगे और यहां तक कि BJP नेताओं का घेराव होने लगा। लेकिन आज बाबा नानक के प्रकाश पर्व पर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन में कहा कि 3 कृषि कानून वापस लेता हूं, क्षमा भी मांगी और ये भी कहा कि वो किसानों को नहीं समझा पाए। कुल मिलाकर 3 कृषि कानून को लेकर पंजाब हो या देश हो, कई युवा तो जानते नहीं, लेकिन जो जानते हैं वो मानते हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन यानी कि वोटों का स्टंट है। फिलहाल प्रकाश पर्व पर गुरु नानक जी के सद्बुद्धि देने का ये भी लोग कहते हैं। कुल मिला के आज जिस तरह से ये बयान आया नरेंद्र मोदी का, काबिले तारीफ है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि वापस ही लेना था तो 11 महीने पंजाब ही नहीं देश को एक नई आंधी में क्यों झोंका? कितने सैकड़ों जानेंगे, 700 से ज़्यादा जाने गई, 11 महीने हो गए और उसके बाद में कानून वापस लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। पिछले दिनों ही पंजाब की बॉडी, पंजाब के BJP के नेताओं ने मुलाकात की थी। फिलहाल अच्छा कदम है ये, सभी कह रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट सफर शुक्ला के साथ, गुरमीत सिंह राजा के साथ सफर शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।